हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, उनकी वेरियस एंगल पे क्या क्या वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किया था, ठीक है, जिसमें हमने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यू फाइंड आउट की थी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको टेबल याद है तो मैं आपसे पूछूं टेंजेंट 45 डिग्री क्या है, वो 1 है। ठीक है दोस्तों, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन 30 डिग्री तो आपको याद होगा वो था 1/2। इन एंगल पे तो मुझे वैल्यू याद है, हमने टेबल बनाया था तो आपको वैल्यू याद है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं टेंजेंट 135 डिग्री क्या होगा या साइन, कुछ भी हो सकता है, साइन 180 डिग्री क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की। ठीक है, इसका कोई टेबल नहीं बनाया। इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, जैसे टेंजेंट की 135 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, साइन की 135 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वेरियस एंगल पे वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाती है और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आज के इस वीडियो में वही सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ टेंजेंट 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, 135 डिग्री की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नहीं फाइंड आउट की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ। 135 डिग्री को किस फॉर्म में लिखना है, 135 डिग्री को ये जो चार एंगल दे रखे हैं ना, इन एंगल की प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे 135 को मैं 90 प्लस में 45 लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ, या इसको 180 माइनस जितना माइनस करके है वो भी लिख सकता था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिखना है, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है उसको इस फॉर्म में लिखना है, 90 प्लस में, 180 माइनस में, या 90 माइनस में, 180 प्लस में, जैसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, इन चारों एंगल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है दोस्तों, और जो पीछे एंगल आएगा, जैसे 90 प्लस में 45 आया ना, वो एंगल इन पाँचों में से आना चाहिए, इन पाँचों में से आना चाहिए। 135 को मैंने 90 प्लस, शुरू वाला एंगल ये है 90, इन चारों में से 90 प्लस 45 इनमें से एक, इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाँ जी ये क्या आ गया 90 प्लस में 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया, हाँ जी अब ये क्या हो गया टेंजेंट 90 प्लस, ये इसको थीटा मान लो एक मिनट के लिए, ये टेंजेंट 90 प्लस थीटा हो गया। और मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था टेंजेंट 90 प्लस थीटा की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, ये मैंने साइड में लिख करके बता देता हूँ एक बार। हाँ जी, क्या क्या रूल था, जहाँ पे 90 और 270 आएगा वहाँ पे चेंज है, 180 और 360 में नो चेंज है। हाँ जी, यहाँ पे 90 है तो 90 चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होएगा, साइन कोस में चेंज होता है, टेंजेंट कोट में चेंज होता है, सेकेंट कोसेकेंट में चेंज होता है। ये टेंजेंट है, ये किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, सीधा यहाँ पे लिखना था कोट थीटा। अब हाँ जी, अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये कोऑर्डिनेट थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेकेंट, थर्ड में टेंजेंट कोटेंजेंट और फोर्थ में कोसेकेंट। ठीक है, अब 90 प्लस थीटा, 90 एंगल यहाँ पे है, इसमें कुछ जुड़ रहा है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया, और सेकंड कोऑर्डिनेट में को क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेकेंट, उसके अलावा सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पर ये क्या टेंजेंट है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि टेंजेंट 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस के कोट थीटा। यहाँ भी सेम अप्लाई करते हैं, टेंजेंट 90 प्लस थीटा ये थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस के कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, और कोट 45 की वैल्यू मुझे टेबल में याद है वो क्या है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 1, यानी कि टेंजेंट 135 की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 1। ठीक है दोस्तों, और वैल्यू निकालते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं साइन 120 डिग्री, हाँ जी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको मैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ये आप पिछली वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा मैंने कैसे लिखा है, 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। मैंने इसको 90 प्लस की फॉर्म में लिखा, ये 90 और प्लस ये वाला एंगल 30 है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिखे जाते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कोस 330 डिग्री, ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ जी इसको इस फॉर्म में लिखना है, इनको प्लस माइनस करके किस तरह से लिखा जाता है, कोस 330 को मैं कोस 360 माइनस के 30 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, हाँ जी इनमें से एक है, इनमें से एक है और पीछे इनमें से एक है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, तो कोस 360 माइनस के थीटा क्या होता है, 360 में नो चेंज होता है, और लास्ट क्वाड्रेंट है, लास्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी है तो आपको ये समझ आ रहा होगा। हाँ जी, और कोस 30 क्या होता है, कोस 30 होता है
रूट थ्री बाई टू, इसकी वैल्यू क्या आ गई रूट थ्री बाई टू। ठीक है, और देखते हैं, जैसे साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, आइए निकालते हैं। साइन 765 को मैं 2 × 360 कितना हो गया, ये हो गया 720 हो गया। 720 में और कितने जोड़ने पड़ेंगे, 45 जोड़ने पड़ेंगे, ऐसे लिख सकता हूँ 360 प्लस में 45। ठीक है, और मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में बताया था, हाँ जी, यहाँ से क्वाड रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये घूम के आ गया 360 डिग्री और ये 360 डिग्री यहीं पे ख़त्म हो गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 360 प्लस थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन का साइन रहेगा और प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो इसका आंसर आ गया 1/√2, साइन 765 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। एक और देखते हैं, जैसे आपके पास आ जाए टेंजेंट माइनस के 1 5 7 5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे लिखते हैं, जैसे टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा, ये सारा थीटा, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के टेन थीटा, ये मैंने आपको बताया था, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, पहले इसको मैंने ठीक करके लिखा, अब इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको 1 5 7 5। ठीक है दोस्तों, माइनस बाहर है इट इज़, इसको मैं 4 × 360 कितना होता है, 1440, और प्लस में 135 जोड़ दूंगा तो ये चीज़ आएगा। हाँ जी, अब माइनस, अब इसको, हाँ जी, ये कितना हो गया, टेंजेंट 360 प्लस थीटा, ये सारा थीटा है, टेंजेंट 360 प्लस थीटा, और टेंजेंट 360 प्लस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा ही होता है, और टेंजेंट 135। ठीक है दोस्तों, टेंजेंट 135, अगर आपको टेंजेंट 135 की वैल्यू याद है डायरेक्ट, अभी मैं निकाल के रखा था -1 है, -1 रख दो, नहीं याद है तो इसको भी निकाल लो अगेन। टेंजेंट 135 को मैं 90 + 45 लिख सकता हूँ, टेंजेंट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के कोर थीटा, ये माइनस है और माइनस के कोर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या 45 डिग्री है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये है कोर 45, और कोर 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई। आइए एक और देखते हैं, जैसे आपके पास आ गया माइनस के 11 π/3। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एक रेडियन फॉर्म में है, रेडियन फॉर्म से पहले इसको किस में चेंज करेंगे, हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं, 11 π/3, और रेडियन से डिग्री में कैसे करने कन्वर्ट करते हैं, 180 π/π करते हैं, इसके साथ ये कट गया और ये 60 आ गया, तो ओवरऑल आंसर क्या बन गया मेरे पास, अब साइन माइनस के 660 डिग्री, और साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन माइनस को नहीं खा पाता तो ये क्या देगा, माइनस के साइन 660 डिग्री। इसको ठीक करके लिख लेते हैं, अब इसको लिखते हैं फॉर्म में, किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, अगर 2 × 360 कितना होता है, 720, 720 में से 60 माइनस कर दो, अब ये क्या आ गया, साइन 360 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, 360 है, नो चेंज, यानी कि साइन का साइन रहेगा, ये बाहर माइनस और यहाँ साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है दोस्तों, और साइन 60 की वैल्यू हम टेबल से पता ही है हमें क्या होती है, वो √3/2, तो इसका वैल्यू क्या आ गई, √3/2। तो इस तरह हमें एंगल रेडियन में भी दिया जा सकता है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करके हम क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है इसकी वैल्यू क्या है, और चार ऑप्शन मुझे दे रखे हैं, तो कैसे करेंगे, आइए, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है तो हाँ जी, उसमें कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू रख देते हैं, कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे पास 1/√2, तो इसका क्या, कोस 45 का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सिकेंट 120, इसको मैं 90 + 30 तो लिख सकता हूँ, प्लस 5 टेन स्क्वायर 60, हाँ जी, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो ये क्या आ गया, √3 का स्क्वायर आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ कर लेता हूँ मैं, हाँ जी, 3 × 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कर देगा तो 2 आ जाएगा, प्लस में सिकेंट 90 + थीटा, सिकेंट 90 + थीटा क्या होता है, 90 है, सिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा, और कोसिकेंट 90 + थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसको भी ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर से रूट कर गया तो 5 + 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3/2 और माइनस के कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है,
दो होती है, ठीक है दोस्तों। ये आ गया 15, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। हाँ जी, 2 LCM आ गया, 3 - 4 + 30, ठीक है। हाँ जी, इसको क्या है, 30 और 3 33, 33 में 4 के 29, 29 बटे 2, 29 बटे 2 क्या है मेरा, ए, तो ए क्या आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, ये मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है दोस्तों, और मुझे 4 आंसर दे रखे हैं, तो राइट आंसर क्या है, आइए देखते हैं। मुझे क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, साइन 135 की वैल्यू चाहिए और कोस 120 की वैल्यू चाहिए। आइए निकालते हैं, पहले साइन 135 की वैल्यू निकालते हैं। हाँ जी, साइन 135 को मैं 90 + 45 लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। और इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। और किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, कोस 120 को मैं 90 + 30 लिख सकता हूँ, 90 + थीटा - साइन थीटा, क्योंकि कोस सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू होगी -1/2, ठीक है दोस्तों। दोनों की वैल्यू आ गई, फार्मूले वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ भी कर देता हूँ मैं। कोस 135 की वैल्यू क्या थी, 1/√2, और इसकी वैल्यू क्या थी, -1/2, -+ का हो जाएगा, +1/2, सेम नीचे ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2√2, इसका एलसीएम आएगा 2, आई होप आपको ये पता होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 + 1, सेम नीचे एलसीएम 2√2 - 1, अब ये घूम के ऊपर आ जाएगा तो क्या बन देगा, -2/√2 - 1, इससे ये कट गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, अब √2 + 1/√2 - 1, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी रेसलाइजिंग करते हैं। रेसलाइजिंग क्या होती है, निचले वाले पार्ट का साइन चेंज करके उसी को मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर क्या बन गया, √2 + 1 का स्केयर, और नीचे a + b a - b का फार्मूला, a² - b² ठीक है। ऊपर फार्मूला ओपन कर देंगे, a² + b² है ना, a² + b² + 2ab, और नीचे क्या बन गया, ये स्केयर से रूट कर देगा 2, और -1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी कट गया, 2 + 1 + 2√2, तो क्या आ गया, 3 + 2√2, और 3 + 2√2 क्या है, a, तो मेरा a क्या आ जाएगा, राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आई होप आपको ये समझ आएगा किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।